दुनिया कर बजेगा ओ इच दुनिया आखर बजेगा नच रोजा सूरत नहीं लग जा नच रोजा सूरत नहीं लग जा अचदार पे शौक कि सकूल मे सिंगिंग अश ये समखान तकान अथ सम्स गई जरी ज्यादा अत सवालव यह प्रैक्टिस कर जोर घंटे ये कम से कम दिवान अत सह पटान तसल असल पढ़ने मे तेज लकटे पे पढ़न तौक तो सिंगिंग अहन सपोर्ट कर तेज यह गाँव ब्रोट पकुन अहन टेलेंट ये नौजवान मगर ये सपोर्ट ही मिलान प्लेटफॉर्म की बात करें तो म्यूज़िक मैं करीबन एक दो साल से कर रहा हूँ तो खुद ही मैंने जितना भी सीखा है वगैरह वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट की मदद से मैंने घर बैठे बैठे ये सब सीख लिया है हार्ड वर्किंग की है लगभग 10-10, 12-12 घंटे में प्रैक्टिस किया करता था। उस्ताद तो मिला मुझे लेकिन मुझे घर वालों ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपनी तरफ से कि मैं उस्तादों के साथ मिलजुल कर काम कर सकूँ क्या मैं सीख सकूँ प्रोफेशनली। इसके लिए ऑलमोस्ट कोई भी पेरेंट अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आजकल कश्मीर में थोड़ी बहुत नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहाँ कि मुझे आज मेरे घर वाले अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे बचपन से ही शौक़ था जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन से ही जैसे कि एक मौके की तलाश कर रहा था कि कब वो मौका आएगा और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। जिस लेवल के प्लेटफॉर्म्स की हमें नीड है अभी उस लेवल के प्लेटफॉर्म्स हमें मिल नहीं रहे और जिस लेवल का काम हमें मिलना चाहिए आजकल के आर्टिस्ट को बिगनर आर्टिस्ट को उस टाइप का काम हमें मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट को अपना आर्ट छोड़ना भी पड़ सकता है। पहले पहले नहीं दिया करते थे घर वाले मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट बट अभी क्या है कि मैंने अपना एक एम्पायर जो है बिल्ड कर लिया है मैंने अपना एक नाम कमा लिया है अपने टाउन में अपने घर वालों के बीच में और इस लिहाज से मेरी इज्जत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं काफ़ी ज़्यादा शोज़ भी कर चुका हूँ तो घर वाले आज मुझे अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरा पहला गिटार था तो वो मुझे अचानक से गिफ्ट में मिला था तो उसी दिन से मैंने वो प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की थी। इससे पहला मेरे मासेरे भाई थे उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा लेकिन वो गिटार बजाते थे उस टाइम पे तो मैं बस उनको देख देख के कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मुझे इंस्पायरेशन मिल गई उनसे और मैं जुट गया कि भाई मुझे गिफ्ट चाहिए तो मुझे अगर ख़रीदना है तो गिटार ही चाहिए। ये जाहिर सी बात है वादी कश्मीर में जो है नौजवानों की बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट इनमें भरा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमें जो है प्रॉपर काम और प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम एक आर्टिस्ट को अपना काम छोड़ना पड़ता है और ये सब बंद करना पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के नौजवानों तक मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि नशा सिर्फ आपको सुकून देता है और ये सुकून आप अलग अलग चीज़ों से भी ले सकते हैं जैसे कि मेरा सुकून मेरा म्यूज़िक है तो म्यूज़िक के लिहाज से मैं अपने सुकून को गेन करता हूँ। मुझे नींद शाम को अच्छी आती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं है और मैं आज के नौजवानों को यही बताना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों से दूर ही रहें क्योंकि ये आपकी बर्बादी का बायसा बन सकती है तो आप इनकी तरफ ना जाएं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मरकज़ी सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आप हमें प्लेटफॉर्म्स मुहैया करें आप यहाँ आएँ सेंसस करें आप यहाँ के यूथ की तरफ देखें आप देखें कि हमारा यूथ जो है कश्मीर का यूथ कितना ज़्यादा टैलेंटेड है हमारे यूथ में कितना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। तो अगर हमें प्लेटफॉर्म्स मुहैया होते हैं और अगर हमें जो है मतलब काम मिलता है इस लिहाज से हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिजनरेट कर सकते हैं और नई नई एम्प्लॉयमेंट की तरीके नई नई सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास आ जाएंगे जिसकी मदद से हमारा यूथ जो है वो बायसा बन जाएगा कि हमारा कश्मीर जो है हमारा हिंदुस्तान जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट।